आफ्टर 9 मंथ्स सर आगे कंटिन्यू करें। हाँ, सो फीटस दैट इज डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट बेबी एंड needed to be delivered. सर कोई 10 महीने तक हुआ है क्या? Delivered. कभी 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 9 महीने के बाद फिर खतरा रहता है। अगर वो कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद कन्वल्शंस होंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होंगे सर्विस में और वो बाहर आ जाएगा। दैट इज ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और उससे फिर भी डिलीवर हो जाता है। 9 मंथ के बाद नहीं रखा जाता है, उतने में हो जाता है। नीडेड टू बी डिलीवर इट इज द बेबी इज कनेक्टेड टू बात ना करें कनेक्टेड टू प्लेसेंटा हाँ मदर्स यूट्रस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। सर अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से आता है? प्लेसेंटा से होगा अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवरी अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड That is labor pain starts. कि अब बेबी होने वाला है pain starts. It is a severe pain. और हाँ ये कुछ hormones ऐसे होते हैं secret होते हैं कि ये बेबी को बाहर आ जाना चाहिए. So that is the labor pain starts and through peristaltic movement through peristaltic जैसा हम लोग esophagus में movement होता है ऊपर नीचे या डाइवेशन और कॉन्ट्रैक्शन उसी तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ सर्विक्स क्योंकि सर्विक्स ही इसे होल्ड करता है और उसी में धीरे धीरे जब ये मूवमेंट होगा आपने वो क्या लिखा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लेबर मतलब लेबर पेन का मतलब बहुत सीवियर पेन है एक तरीके से इट नीडेड ए लॉट ऑफ strength, stamina to deliver a baby. That's why many of us are escaping from a normal delivery procedure and they are going for surgical method. Labor pain से बचने के लिए surgical pain में तो क्या है कि कट लगा दिया निकाल दिया और pain नहीं होता तब उसमें वो pain से बच जाते हैं और ये चीज लोग adopt करते हैं और जब होने वाला होता है तो एक दिन पहले ही कोशिश तो करें डॉक्टर निकाल दें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसको कहते हैं बेबी इज डिलीवर्ड आउट by mother delivered out by mother which is called parturition which is called parturition मतलब normal parturition और उसके बाद umbilical cord कट कर दी जाती है और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है मदर के मेमरी ग्लैंड से मिल्क फ्लो स्टार्ट हो जाता है ये नेचुरल प्रोसेस बिना बेबी के नहीं होगा नहीं होगा और जैसे ही होगा उस उसमें फिर 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा बेबी को भूख लगेगी उसको दूध पिला इट इज सो नेचुरल डिलीवर करने के बाद तुरंत दूध पिलाता है एंड द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इट इज गिविंग इम्यून पावर टू बेबी तो इस तरीके का प्रोसेस ठीक है ना इतनी बात तो आपको समझ में आ गई बोलो
पार्ट्यूरिशन। अब देखें कुछ चीजें हम जान रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब एक तरीके से वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा इस तरीके का, तो बेबी का सर बाहर आएगा वही सबसे बड़ा होता है। ब्रेन का जब सर पकड़ के सर अगर बाहर आ गया तो फिर पकड़ के खींच लेगा। सर तो दर्द नहीं था बेबी को, बेबी को कुछ दर्द नहीं, उसका सर कितना नाजुक होता है, उसके से पकड़ के खींच लेगा, उसको थपथपाया भी जाएगा कि रोए दुनिया में, ठीक है। अब आगे चले, नाउ व्हाट इज पर्पस ऑफ, व्हाट इज पर्पस ऑफ ओवरी। जनरली पूरा प्रोसीजर के बाद आता है ये सब पहले आता है, ठीक है। रिलीजेस, ये क्या करता है, फीमेल जो है फीमेल हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी देता है, ठीक है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन मिलता है, अभी बताना दोनों का पर्पस। अभी जरा देख देखो, पर्पस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके So, ये काम हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉर एस्ट्रोजन इट इज इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, एंडोमेरिस्टम बनाता है। अभी देखते हैं एस्ट्रोजन में ये आएगा। अब देखो एस्ट्रोजन क्या का काम करेगा, एस्ट्रोजन इट मेक इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। एंड गिव प्यूबर्टी टू फीमेल्स, ओके। इफ ड्यू टू इट एग्स आर मैच्योर, ड्यू टू इट इसी में दिखा दे रहा हूं एक्सरसाइज में गेटिंग मैच्योर, एंड फॉलिक एसिड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि एस्ट्रोजन देता है, मतलब वो फॉलिक एसिड किसके लिए, एक तरीके का केमिकल है वो एस्ट्रोजन दे देता है जिससे कि जो एग है वो मैच्योर हो जाए। फॉलिक एसिड देता है सर, क्या बोल रहे थे बताओ सर, फॉलिक एसिड बताओ ना, यानी इसको क्या कहते हैं, जो भी एग है उसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, और धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा, तो बड़ा होकर ये बाहर निकलेगा तो दैट इज अल्टीमेटली बिकम्स ओवम, तो उसके लिए वो एक एसिड देता है, दैट एसिड इज नोन एज फॉलिक एसिड। अगर वो उसके लिए कौन देता है, ये एस्ट्रोजन देता है, वो रिलीज करवाता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके की ग्लैंड है उसमें से ये निकल रहा है। बेबी के अराउंड वो थैली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बल्बियोनिक बैलून। नाउ अब देखिए सर फीमेल को क्या
इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स सब बताया जा चुका है। अब फीमेल है कोई आप ओवम पूछे सर ओवम या फीमेल को ओवम ही कहते हैं कि स्पर्म कहते हैं बार बार डाउट बता रहे हो लोग थोड़ी देर लगी सर डाउट कुछ होने वाला नहीं है ठीक है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बताने में और भी किसके काम में आता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। एंडोमेट्रियम क्या है यही बनाता है एस्ट्रोजन सर इसे इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी देते हैं। हाँ जी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ठीक है फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड स्पॉन्जी ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबी इन एंडोमेट्रियम ये तरीके का गद्दा होता है बच्चे के लिए। ये सारे काम किसके हैं एस्ट्रोजन के हैं। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस बहुत छोटा है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो क्या यूट्रस को भी नहीं बढ़ना चाहिए तो इट इज responsible for enlargement of uterus and development of breasts. So, वो तो secondary sexual characters आ जाएंगे लेकिन pregnancy के दौरान में एक extra development होगा। सर ये ओवरी का दिखा रहे हो? Breasts. सर ये ओवरी के आप दिखा रहे हो? ओवरी के नहीं दिखा रहे हैं आप यहाँ ये है लेकिन मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ कि estrogen का क्या काम है और progesterone का क्या काम है दोनों के काम समझ दो चीज तो आपको कल बता दी है बस इतना ही लिखना है ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रोन के बारे में देखो प्रोजेस्ट्रोन इनके बारे में मेरे से पूछा नहीं जाता बट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ओके। तो एस्ट्रोजन के आगे ये सब ब्रैकेट में है। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए होता है ये तो रिलीज करता है ओवम को और इट सप्रेस रिलीज ऑफ अदर ओवम व्हेन वन ओवम इज रिलीज व्हेन वन ओवम इज रिलीज इन एवरी ये चीज होगी सर आफ्टर एवरी 28 डेज। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इट इज also responsible for breaking of inner sir board ka paper dene ke baad kitne din baad result aata hai lining 3 mahine to matlab ki 11th mein ghus jayenge hum blood then karne of sir is registration ठीक है। इट सप्रेस म्यूकस ड्यूरिंग ये इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ न्यूकस बेबी इन एंडोमेट्रियम। तो देखो आपने सही बताया प्रोजेस्टेरोन सप्रेस सप्रेस में दो भी आएंगे सर सप्रेस करते हैं प्रोजेस्टेरोन वो तो वो दुश्मन हाँ वो दूसरे को नहीं करने देते फ्लो कर देते हैं मतलब उसका काम है कि एक को ना रिलीज करने देना और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई माला लिया इस तरीके की कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स खा ली तो वो एक को भी नहीं करने देगा। माला माला डी मेलोडी
हाँ, तो इस तरीके की गोलियां होती हैं जो कि क्या करती हैं कि सप्रेशन करती हैं, एगी भी बीज नहीं होता। सो इट इज ए काइंड ऑफ कंट्रासेप्शन, दो मेटिंग इज डन बट इट डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। अब देखो, सो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस को कौन तोड़ेगा? प्रोजेस्ट्रोन तोड़ेगा। और सर ये सप्रेस भी कर देता, आने भी नहीं देता और तोड़ भी देता है, दूसरे को नहीं आने देगा? दो एक को कैसे? दो तो मतलब एक को नहीं आने देता, एक को एक के आने के बाद दूसरे को नहीं आने देगा। अच्छा, ये इतनी बात हो गई। अब आगे देखेंगे तो ओवरी की बात हो गई, व्हाट इज यूट्रस? सो इट कीप्स, ठीक है, keeps and nourish unborn baby. Baby till gestation period, till कब तक के लिए? जब तक बाहर नहीं आ जाता। Till gestation। ये embryo बन के घुसता है ना uterus में? ये बात समझ आ गई। जेस्टेशन पीरियड का मतलब गर्भ धारण की अवधि तक ये बच्चे का पोषण करेगा। सो बेबी जल्दी प्लेसेंटा से अटैच होगा, वो सब तो इसी में होगा ना, तो उसको नरिश करता रहेगा। तीसरी चीज देखिए, और कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, यूट्रस का आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? हियर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फैलोपियन ट्यूब, ओवम और हियर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद ईच अदर, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइडिक है, एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद ईच अदर एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट सर, यहाँ पर ही जायगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बन के यूट्रस में आ जाता है। इतनी बात हो गई। अब देखो कि दैट इज वजाइना, इट रिसीव्स स्पर्म्स during the process of reproduction from male gonad, that is penis, and इसका इतना ही काम है, and roots it to the egg, और कहाँ root करेगा? Egg की ओर। Microbes help in this, sir. Sir इसको penis कैसे कहते हैं? इसमें तो IS कर रहा है। Penis ऐसा ही बोलते हैं, आपको video में तो दिखाया है। Sir penis मतलब तंजानिया का भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखें, सो वजाइना इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चे का जन्म यहीं से होगा। सर यूटेरस से होगा ना? सर आपने कहा था फैलोपियन ट्यूब से, मतलब बच्चा निकलेगा बाहर तो यहीं से। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। What is difference between menstrual cycle and menstruation? Menstrual cycle. Menstrual cycle. A period of 28 days during which the formation of blood and mucus lining, during which fertilization, and if does not get fertilized, then breaking off. लाइन, ठीक है। सो ये होता है,
का तो हिंदी क्लास में पढ़ना पड़ेगा आपको। शिष्य ने कहते मालूम तो होगा ही ना, सब जानते हैं। अच्छा छोड़ी, अभी पूछेंगे उर्दू में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, जानते हैं तो सभी भाषा में। अब देखो द मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, पीरियड। ये ठीक कर रहे हैं, हिंदी में मासिक धर्म। और रजोदर्शन किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। रजस्वला किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ भी हिंदी में ऐसे जैसे कि सब मालूम है, बस यही नहीं मालूम है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था वो राज्यसभा में क्या बोल रही थी, मैं रजस्वला हूँ। पढ़ा तो होगा, महाभारत नहीं देखी होगी क्या, हिंदू तो हो गई फिर तो मालूम नहीं रजस्वला क्या है, फिर चुप क्यों हो गए। उसने तो ये बोला था सेंटेंस भीष्म पितामह को कि पितामह मैं रजस्वला हूँ, तब तुम कहाँ थे। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू नहीं वो राष्ट्रपति है, तुम भी ऐसी महाभारत उसने कहा कि भाई मैं रजस्वला हूँ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। That is, it is the menstrual flow is going on. It is the initial fibers. बता नहीं। अब हिंदी में सब पूछना चाहते हैं, कहो तो हिंदी में पढ़ा है, कुछ भी ना समझते हैं। हिंदी में तो हम भी पढ़े, अगर ऐसी बात होती तो बताते तो चार की नहीं। सब कुछ हिंदी पढ़े, बीएससी तक हिंदी में ही पढ़े। मजदूरी में जब हिंदी का कोई बच्चा नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिला, अब हम आगे बढ़े। इस तरीके से आप रेड, ये रेड हियरिंग है, क्लास को रोकना, रेड कपड़े पहन के रेड हियरिंग करना। तुम्हारे ही बारे में कहा गया हंसते हुए पैदा हुआ हंसते हुए जाएगा, डॉक्टर ने कितना पीटा था तुम रोए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे चलें। Shall I start now? Yes, sir. Now the menstrual cycle, a period of 28 days in female, the period of 28 days in which female, ठीक है, during which ब्लड कैपिलरी शुरुआत कैसे होती है, ब्रेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ओके, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग, दैट इज मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन। मतलब मेंस्ट्रुएशन या फिर वजाइनल फ्लो। ठीक है, आकाश एंड रिलीज ऑफ एग एंड मेकिंग ऑफ ब्लड लाइनिंग, ये सारा होगा नई चीज है कि रिलीज ऑफ एग एंड मेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस अकर्स। ये 28 डेज का है, कभी कभी डिलेड हो जाता है, तो फिर उसके लिए हार्मोनल इंबैलेंस है और फिर डॉक्टर के पास जाना। सर वो क्या मालाडी अपने कहा था ना, मालाडी या किसी भी तरीके का अगर ऐसे पिल्स लेते हैं तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, कभी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन लेट भी करा देते हैं लोग, ऐसा भी लेट हो गया मतलब ऐसा होगा कि लाइनिंग क्रैक ना हो या कुछ हो। देयर आर वेरियस एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन पंप्स, जो जो जैसे नहीं है मेंस्ट्रुएशन नहीं होना चाहिए। किसी किसी धर्म में ऐसा भी है कि मेंस्ट्रुएशन हो गया तो मंदिर नहीं जाना है, ऐसा है तो वो उसमें डिले कर देते हैं कि भाई मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाए जिससे हमारे यहाँ पूजा पाठ संपन्न हो जाए। लेकिन किसी भी तरीके की छेड़छाड़, फीमेल का जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना डेलिकेट है, उसमें छेड़छाड़ करने से दिक्कत होती है, चेहरे पर एक्ने आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, माइग्रेन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है और कई तरीके के साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें, ये जो भी केमिकल्स हैं, माला दी है कुछ भी, इससे लेने से मना किया जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं होना चाहिए ना बॉडी में। आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो कि हम साइकिल को ही बदल देंगे। सर, प्रॉपर्टी अगर किसी की, प्रॉपर्टी अगर किसी की
लगाई जाती है सर। प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई नहीं गई है तो नहीं सर, एक मिनट बताइए, उसका वजाइनल फ्लो होगा क्या सर? अब ये तय करना पड़ेगा कि उसे प्रॉपर्टी लगी है कि माला डी, फिर हम आगे बताएंगे, क्योंकि एक बार तय तो कर ले। यहाँ तक समझ में आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? Flowing of blood with mucus and unfertilized egg. Menstruation का मतलब है during initial initial 4 to 5 days तक, ठीक है? There is sir, 3 to 5 होगा ना? ठीक है, कर लो। There is vaginal flow in which blood blood and mucus. सब में दिखा रहा हूँ, बस लिखते जाइए, क्योंकि अभी इसी का मैं अब थर्ड आयो, थोड़ा सा करो कम से कम फर्स्ट तो आओ। तो देयर इज वजाइनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस अकर्स, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ठीक है, वजाइनल फ्लो। That is, ये सारा हो गया मीनार्की मीनापॉज, ये सारा मैं बता दिया ना आपको। हाँ अच्छा, अब हम देखेंगे नाउ दैट इज फंक्शन ऑफ सर मीनार्की क्या होता है? दैट इज पहली बार जब रजो दर्शन, ठीक है, जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो कहते हैं मीनार्की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नाउ दैट इज इट इजेकुलेट्स स्पर्म्स। है तो वैसे सीमन, लेकिन इसे स्पर्म कह रहे हैं क्योंकि इसका मेन काम क्या है, स्पर्म को इजेकुलेट करना ना। यस सर ठीक है, इनसाइड फीमेल बॉडी थ्रू वजाइना एपिडाइडमिस का क्या पर्पस है? पीपांशु सही सेंटेंस बता दो, बता तो सकते हैं अनुराग आनंदिता बोलो। सर मैं बताऊं, स्पर्म को करेक्ट करना, यस इट स्टोर्स द स्पर्म अंटिल इट इज इजेकुलेटेड। It stores the until when it stores the now testes say the production of male hormone, it testosterone, it produces testosterone hormone in male body, testosterone हार्मोन इन मेल, ठीक है, विच ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। सर सर मेल का टेस्टोस्टेरोन है तो फीमेल का क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओ साइलेंट होता है ना? नहीं ओ होता ही नहीं होते सर, मैंने गलती से लिखा है, देखो हमें भी लग रहा है लेकिन वो होता है सर, तो गूगल पे देखिए सर होता है, मेरी बुक में भी लिखा हुआ था, फिर से देखूंगा, कई बार देखा है इसलिए मैंने लिखा था, आनंदिता बताने नहीं था बुक, इसमें भी एक बार मैं देखा तो नहीं लिखा। चलो टीचर्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड ऑल्सो
रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड. नाउ सेमिनल वेसिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड पर्पस. इट गिव्स नरिशमेंट टू द सेमन. बना देते हैं ना सर वो ड्राई. Urethra gives the liquid fluid. It is for the opening of sperm. Urethra kya hai? It is opening of penis or a passageway through which sperms and urine. Sperm comes out upon urine at once. Or urine is discharged one at a time. Now seminal vesicle. इसका बताते हैं देखिए. सही वाला पूरा मत मिटा दो. तो सेमेन वैसे तो मैं वो सीमेन बनता है ना. देख लेते हैं क्या क्या न्यूट्रिशन देते हैं. फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. इन दोनों का साथ ही साथ पर पता है. अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता तो क्या होगा सर? टीके बाद पीने सर वो सीधा तो जाता है बैठने में यूरिन पास करने में. अब ये देखो एंड एक बर्निंग सेंसेशन प्रोस्टेट है. सही है कहां तो गड़बड़ी है. टीके बाद दिया है सर. सही तो है ना. बोलो यही है ऐसे ही दिया इसने सर. बुक में भी ऐसे लिखा है ना सर. देखो बुक में यही है. हां सो इट एड secretion to sperm so that it becomes highly motile and can move easily and helps in locomotion. Also add its nutrition and give nourishment to the sperm. To sperm so that in female reproductive tract it can survive till 3 days. That it can move fast and survive for 3 years. अब देखो इतनी बात हो गई. ये भी फैलोपियन ट्यूब हो गया. आगे देखते हैं. जरा देखें कि
मीनाल की मीना पोस्ट के बारे में पूरा बता दिया है जी सर। फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्की। जम्प्स नो सर एग को जर्म सेल ऑफ फीमेल कहते हैं। एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्की। सर छोड़ो अब देखिए permanent stoppage of menstruation cycle at the age of 50 to 55 years permanent stoppage or termination of menstruation in female रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल इज फ्रॉम सर अभी तो मेल का दिखा रहे थे अलग कर दिया यहाँ से हो गया। Occurs at the age of 10 to 12 years age and menopause occurs at 45 to 50 years age. ये बात सही है। Occurs at 45 to 50 years age. So reproductive phase of female is in between this period. So मतलब 30 साल तक female is reproductive during this period है ना 40 साल सर इसके बाद अगर मेटिंग मीटिंग करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होगा वो ऐसा होता है तो वो कैसे हो जाता है कई जगह हैं जैसे पाकिस्तान में जो भारत से मिलता हुआ एरिया वहाँ 125 साल तक के वहाँ पर 70 साल की जो फीमेल है वो युवा देखते हैं 70 साल की है बाकी ओके में पाकिस्तान पाकिस्तान में सर मेकअप होता होगा 125 से 135 साल शादी कितना नील जगह का है ठीक है। जापान की सरकार तो कंगाल हो गई वो चांदी की तस्करी देती थी जो 100 साल के लोग हो जाते थे लेकिन इतने लोग 100 के ऊपर होने लगे उसको ये स्कीम ही बंद करनी उसने अपना टारगेट 120 कर दिया। सो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल स्टार्ट्स फ्रॉम मीनार्की एंड एंड्स एट मेनोपॉज। देखो आगे की बात सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा जान सर लिखा दिया सर ये लिखी है। हाँ तो एक ही हम लोग देखें कि किन किन डेज में क्या क्या चीजें तो दैट इज सर सर डेट सर यूट्यूब पे वीडियो हाँ
से बता रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है देख लेते हैं। स्ट्रोमोसोम का तो पर्पस क्या है? वो टेस्टिस को रखते हैं। इट इज अ बैड लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड पेयर ऑफ टेस्टिस। सर इसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। हां स्क्रोटल सैक। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकल। लेट अस सी हाउ इट अकर्स। यानी डे वाइज मेंस्ट्रुअल साइकल है। ये कब का वक्त करता है? तो इसमें अगर डे नहीं दिए हैं तो फिर हम दूसरा पीरियड। सर यूट्यूब पे कोई बात नहीं, वीडियो पे सर समझ नहीं आ रहा। वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल The menstrual cycle refers to the regular changes in the समझ लो फिर उसके बाद सब कुछ होगा। आप एक बार समझोगे तभी तो हम कुछ बता पाएंगे ना। तो इसलिए ऐसे आसान नहीं है। मैंने कल रीचेस प्यूबर्टी। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। सो डे वाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल। से देखें तो सबसे पहले क्या होगा? वॉर्म लाइनिंग ब्रेक्स डाउन। तो उसके लिए आपको 7 दिन दिए गए हैं कि मतलब मदर्स वॉर्म होता है ना, तो उसे यूट्रस कहते हैं। मदर्स वॉर्म को
तो एंडोमेट्रियम रे को बोलते हैं एंडोमेट्रियम तो यूनिटस को बोलते हैं क्या सर कंसिस्ट सर ये वो सॉल्वेंट होता है सर सुनोगे हम सब चीजें बताएंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ रिपीटेड साइकिल रिपीटेड साइकिल ऑफ 28 डेज इन ह्यूमन फीमेल तो पहले क्या होगा फेज वाइज मैंने में देखो फ्रॉम ठीक है इन इनिशियल बॉम्ब किसको बोलते हैं बता बॉम्ब मदर स्वॉम यूटरस को है ना बच्चे दानी को सो 1-7 डेज के लिए वो क्या कह रहा है मेंस्ट्रुएशन है पर मेंस्ट्रुएशन तो हमने लिखा दिया ना हाँ सर अकस अब देखो मासिक चक्र अलग है मासिक धर्म अलग है मेंस्ट्रुएशन को मासिक धर्म कहते हैं अब देखें अगली चीज सो लाइनिंग ऑफ वॉर्म बिगेंस टू थिकन टू प्रिपेयर द एग टू इम्प्लांट और 8th डे से क्या होगा 8th से 11th डे तक सर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है बोलो सर सो फीमेल इज नॉट रिप्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस कैसे नॉट क्यों रिप्रोडक्टिव होती है इंटेलिजेंस 10 से 12 से 8 तक ठीक है सो 8 टू 11 डेज का प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है बात ना करो लाइनिंग ऑफ वॉर्म बिगिनिंग तुम लोग हंसते रहते हो पढ़ाई कब करते हो ठीक है अब यहां देखिए देखो कहत नटत रिजत खिजत मिजत मिलत लजत किजिया तो भरे भाव में कर रहा है नैना मिसो का तो वो नायक और नायिका है कृष्ण और राधा कहती है फिर नटती है नटती का मतलब है कि अपने भाव भाव नटक मना कर देना है रीझत इस बात पर श्याम रीझ जाते हैं तो राधा खिजिया जाती है खिजना होता है ना कि शर्मा जाना या खींच जाना और मिलत लजत खिजिया फिर उनके नयन मिलते हैं और खिजिया जाते हैं तो भरे भवन में करत है नयनन ही सोबात बात समझ में आ गई रसिक बिहारी क्या कहते हैं इसीलिए कहते हैं सतैया के दोहरे जीव नाविक के तीर और देखा में छोटे लगे घाव करें गंभीर तो उनके जो 700 दोहे हैं कहते हैं कि क्यों बसिए क्यों नी बही है नीति नेह पुर जाई बताओ प्रेमपुर के नगर में या प्रेम के नगर में या ब्रज नगर में क्यों निवास करना लगा लगी लोइन करें वहां आंखें आपस में लड़ाई करती हैं लड़ती हैं और नाहक मन बन जाए और बांध लिया जाता है मन को बताओ लड़ाई कोई कर रहा है बांधो नैन को और मन बांध लिए जाते हैं बोलो कैसा कितना बढ़िया लिखा है 700 दोहे लिखे लेकिन ये सभी ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस स्टैंडर्ड 8-11 डेज क्या बताइए कि न्यू लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम डेवलप्स न्यू लाइनिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियम डेवलप्स आगे देखें बहुत दिनों तक तो मैं हिंदी संस्कृत ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ही टीचर रहा हूँ बाद में जब फिर साइंस के बच्चे ज्यादा आने लगे तो साइंस में यही तो बच्चे पढ़ाओ हमने सब कुछ पढ़ाया है संगीत तक पढ़ाया है आगे देखिए ओव्यूलेशन क्या होगा यूजुअली डे 14 ओव्यूलेशन कब होगा बोलो प्राचीन तो अब जब 12 तो 14 उसके बीच में ले लिया गया है होता क्या ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग तो उसके बीच में माना जाता है 16th में हो गया 15th सर रिलीज ऑफ एग तो 1-7 था ना ठीक है तो पहले एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटी फिर नई लाइनिंग बनी एक साइकिल है
तो साइकिल अभी हम आपको बना के देंगे कि किस किस तरीके से होता है सर, ओव्यूलेशन और पहले में। एक मिनट बस आप रुक जाइए, मैं हर चीज का आपको बता देता हूँ कि ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में चल रहा ना, एक से इमेज देख रहे हैं एक में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहाँ दिखेगा, उसमें वही देखो सर, डिफरेंस बता दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है, जरा देखिए। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ये शुरुआती दिन है, तो इसमें ये दिखाया गया कि ये लाइनिंग घट रही है और ये ब्लड निकल रहा है इसमें, और फिर इसके बाद ये बिल्कुल पतली हो गई, और फिर इसमें ये बनना शुरू हुई, और बनना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ, ये डीप क्रैक डेवलप हो गया, प्रोजेस्टेरोन ने भी अपना खेल करना शुरू कर दिया। ये जो बना रहे हो मतलब दोनों काम चल रहे हैं, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये देखो दो तीन काम एक साथ हैं हो रहे हैं, अभी सब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिस इज 0 to 7 days डिवाइस। ये क्या ब्लड निकल रहा है और लाइनिंग पतली हो गई, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है क्या, एंडोमेट्रियम। तो जैसे जैसे बूढ़े होते मोटी होती जाती है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे कि यहाँ से ये 7 से लेके 11 days तक क्या होगा, मेकिंग ऑफ न्यू लाइनिंग डे 11 तक। ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन सर। सेकंड वाले में क्या होता है, इसका मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ दैट इज स्पॉन्जिंग लाइनिंग, उसका निर्माण फिर से उसमें आ जाते हैं, फिर से आ जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ से जाने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ अचानक बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो लाइनिंग को तोड़ेगा कि नहीं, तोड़ेगा, क्रैक आ गए, क्रैक स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो लास्ट में तो सबसे जब पूरी तरीके से क्रैक होंगे तो क्या उसको तोड़ दिया जाएगा, देखो क्रैक कितने डीपर हो गए, तो इसके बाद यही आने वाला, फिर से ये जोड़ लो तो समझ में नहीं आ रहा थर्ड, यानी अगर आपको आगे अगली लाइनिंग देखनी है कि ये 28 days है, 28 days के बाद फिर से ये अगर वही चीफ फिगर चाहिए तो कहो तो फिर से बना दें। नो सर। तो समझ में आ गई ना बात सर, उसने तोड़ दिया सर, यहाँ पर देखो बोलो बात समझ आ गई सर, इसी के बाद तो फिर टूटेगा, तो साइकिल हुआ कि नहीं जो रिपीट हो रहा है, तो फिर से 1 to 7 days में यही बात हो गई, हमारा साइकिल यहीं तक है सर। देखो यहाँ पे 7वें दिन में ब्लड फ्लो हुआ, अब और क्या, हाँ बोलो 11, अब इसके बाद 12 दिन से 17 दिन तक क्या होगा सर, 11 दिन में सर, इसमें मेंस्ट्रुएशन में फर्क क्या है इसमें और साइकिल है, और ये इतना पार्ट मेंस्ट्रुएशन पहले और थर्ड में फर्क क्या है, इसमें रिलीज ऑफ एग में और मेंस्ट्रुएशन में, रिलीज ऑफ एग को ओव्यूलेशन कहते हैं, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है सर, दोनों में तो फ्लो होता है, रिलीज ऑफ एग है तो एग रिलीज होगा ओवरी से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, क्या वो फ्लो है, रिलीज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस दैट इज रिलीज ऑफ एग टेक्स प्लेस, तो ये कब से कब तक होगा बताओ, फिर अलग पॉइंट है ओवुलेशन के, ये इसी में ही है कि कब से कब तक, देखो ना उसमें सर, नहीं सर, वो अपने सेकंड नंबर पे लिखा है, ये थर्ड नंबर है, हाँ ये अब थर्ड नंबर लिखो, तो अब ओवुलेशन हो गया प्रोबेबली, वैसे 16 दिन बोलते हैं तो यूजुअली क्या है, अब जैसा ये दिख रहा है वही देखो, 14 to 16 के बीच में चलता है, ठीक है 14 day चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, है? 40 ये क्या है कि 28 days में चंद्रमा भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी परिधि पर भी और अर्थ के चारों ओर, उसी के अनुसार एक जो हेल्दी स्त्री है उसका मासिक चक्र उसी के अनुसार चलता है, ठीक है। अब आगे देखें कि नेक्स्ट इस क्या है कि
यहाँ से बताओ क्या होगा, 17 तक हो गया ब्रेकिंग ऑफ, क्रैक स्टार्ट्स डेवलपिंग इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, क्रैक स्टार्ट्स। सर बनाइए फिगर। यही है सर क्रैक डेवलपिंग, मतलब संडे के टेस्ट में आएगा ये फिगर? नहीं आएगा, जो बुक में उसके अलावा कुछ नहीं है। सर क्रैक डेवलपिंग बताओ, जानकारी के लिए सब हम दे रहे हैं, लेकिन जो बुक में है जो टेस्ट में आना है वही आएगा। सर प्लांट्स वगैरह भी आएगा क्या? आएगा पूरा चैप्टर ही, आप समझो जिसने बुक तैयार कर ली वो पूरे नंबर ला है, पूरा वो भी आएगा संडे को। हमको देखो यहाँ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई गई हैं, प्लांट्स वाला मॉडल भी आएगा ना प्रोफेसर, सही होगा ऐसे नहीं जैसे संडे टेस्ट। सर सिर्फ रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा टेस्ट, बोर्ड क्या है ये फ्रॉम 17 डेज यानी 18 डेज से 28 डेज तक क्या होगा बताओ, 18 डेज अगर मान लो आप 17th डे भी एक रिलीज हुआ है तो आप सोचो 18th डे में इट सर्वाइव्स ओनली फॉर वन डे। ट्रैक ना सर, ट्रैक डेवलप मतलब बताओ, बोलो ट्रैक डेवलप, ट्रैक का मतलब है उसमें दरारें पड़ने लगी हैं, अब उसको ढह जाना है, तुम्हारे घर में दरारें पड़ने लगेंगी तो घर ढहेगा कि नहीं, पूरा मतलब स्किन ये सब में दरारें आ रही है, वो जो अंदर के एंडोमेट्रियम की स्पॉन्जी लाइन है उसमें डीपर क्रैक है, और जैसे ही वो डीपर क्रैक ब्लड तक पहुंचे अंदर तक वो सारा ढह जाएगा। 18 to 28 देता है जो हाँ कितने दिन तक सरवाइव करेगा, वन डे और ठीक है तो अगर आप मान लो 16th डे रिलीज हुआ इसमें तो हो सकता है ना, तो व्हाट इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इफ मेटिंग इज डन देन फर्टिलाइजेशन 14 या फिर 15 डे को गरीब होगा। एग इज रिलीज्ड ड्यूरिंग 14th डे ऑफ 14th डे ऑफ क्या मीटिंग मेंस्ट्रुअल साइकल देन मीटिंग डन बिटवीन, तीन दिन पहले ले लो 14 से 3 दिन। सर पता कैसे चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा, बिटवीन 11th डे वो बस यही पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कब हुआ था। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर मान लीजिए 4 बजे हुआ है तो उसे पिछला दिन माने, इसको सनराइज से काउंट किया जाता है। मतलब वापस बताइए, मान लो 4 बजे हुआ है तो ये इंग्लिश डे के हिसाब से नहीं काउंट होता है, वो 4 बजे हुआ तो पिछले दिन का मेंस्ट्रुएशन माना जाना चाहिए। अगर 7 बजे हुए तो इस दिन का मना है। और चंद्रमा बढ़ता हुआ हो और उस समय मेटिंग की जाए, शुक्ल पक्ष हो, एक चंद्रमा बढ़ता है घटता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और अगर कृष्ण पक्ष हो, भाई हमारे वेदों में सारी बातें लिखी हैं, हम लोगों में ज्यादातर लोग हैं ये तो बहुत बड़े वेद के ज्ञाता हैं, तो अगर कृष्ण पक्ष हो, चंद्रमा घटते हुए में मेटिंग की गई और फर्टिलाइजेशन हो गया तो कन्या की उत्पत्ति होती है। साइंस पर यस इट इज साइंटिफिकली प्रूवन है, सिर्फ ये है तो मतलब हम डिसाइड कर लेंगे, नेट में सब कुछ है। हां सर बोलो कि सब जान बूझ के कृष्ण पक्ष में करेंगे वो वैसा ही वो कर वो चीज वो समय आप देखो कि 7-8 महीने में एक समय ऐसा कोइंसिडेंस होगा, ये क्योंकि इन 4 ही दिनों का कोइंसिडेंस है, ये वही दिन है जब मीटिंग में फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो पीरियड कब पड़ना चाहिए, शुक्ल पक्ष। तो लड़का अगर लड़का चाहिए और अगर लक्ष्मी चाहिए घर में
तो कृष्ण पक्ष तो सर हम डिसाइड कर सकते क्या होगा सही और अगर मान लीजिए तब भी पेशेंस नहीं है ऐसा होता है और आपकी सूर्य नासिका चल रही हो तो लड़का पैदा होगा और मतलब अगर आपकी दाहिनी नासिका चले एक समय में एक ही नाक चलती है देख लेना और अगर चंद्र नासिका चल रही हो मेरी ये चल रही है हाँ उस समय मेटिंग की जाए एक टाइम पे एक ही नाक से सांस आती है चंद्र सूर्य कौन सी चंद्र सूर्य कौन सी है एक सुषुम्ना नाड़ी होती है और एक उसी कौन सी नाड़ी होती है दो नाड़ियां हैं चंद्र सूर्य कौन सी बता दो सर प्लीज क्या बता दो अब वो हमें कहने देना हम आपकी बात करते आगे की ठीक है तो नाड़ियों से भी दिया जा सकता है कि नाक में किसमें से हवा आ रही है दाहिनी नाक और बाईं नाक है तो सुषुम्ना नाड़ी और एक दूसरा है ठीक है अब जरा देखो इफ मेटिंग डन कब होगा बताओ इलेवेंथ डे है तो 14 को रिलीज हुआ इलेवेंथ डे टू 15th डे देन इट रिजल्ट्स फर्टिलाइजेशन तीन दिन पहले है तो सर्वाइव करेगा ना ठीक है और आफ्टर आप 17 है तो आफ्टर 18 टू 28 डेज इज काउंटेड एज सेफ पीरियड 18 टू इसमें कुछ नहीं होता 28 डेज क्योंकि उस समय वो एग मर चुका होता है ऑफ साइकिल इस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कॉल्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसका सेफ फिर कुछ नहीं होगा तो हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा बताया सब में होता है सब में डॉग्स में भी होता है डॉग्स में भी होता है और इसीलिए तो हमने बिच नहीं पाली क्योंकि उसको पैड पहनाते फिर उसका कौन करेगा अच्छा रास्ते में कुत्ते को कौन पहनाता है रास्ते में तो क्या है रास्ते हमारा तो कुत्ता रास्ते में भी शिफ्ट करता है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हो गया अब जरा देखो अब ये देखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स एज सून एज इज फर्टिलाइज बोलो बात सही है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एज सून एज बेबी इज डिलीवर्ड उसके बाद शुरू भी हो जाए बेबी पैदा हुआ तो उसके बाद 28 दिन लगेंगे अगला चक्र में तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स एज सून एज ठीक है एग इज फर्टिलाइज एंड menstruation starts after delivery of baby sir female reproduction matlab acha वो उसकी रिप्रोडक्टिव एज है ओके हाउएवर फॉर मेल देयर इज नो कंस्ट्रेंट्स ऑन इट्स रिप्रोडक्टिव होता है ना सर बूढ़े लोगों को बूढ़े हों चाहे कुछ हो कुछ नहीं देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव एज हां देयर इज नो एज लिमिट ठीक है आफ्टर प्यूबर्टी डिलीवरी सही है यही तो जो मेटो वाले करते हैं डिलीवरी सर रहेंगे सर मैं
मेंस्ट्रुएशन अब यहाँ देखो बर्थ कंट्रोल आगे देखो। अच्छा एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फ्लो रहेगा। हेडिंग है आपके बुक में व्हेन मेंस्ट्रुएशन होगा ना फर्टिलाइज्ड। सो If egg is not fertilized, then eventually it dies away. It क्या होगा? It dies away. कौन सा dies away? Eventually it dies away and get out from vagina. Within one day. Within one day. एक दिन में मर जाएगा एंड इनर लाइनिंग विल ब्रेक डाउन ऑफ यूटरस ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन अकर वजाइना ब्लू because as this lining is no more needed as जैसे को menstruation बोलते हैं ना जो flow हो रहा है वो menstruation है और एक cycle हमने आपको दिखा दिया तो ये एक cycle है और यहाँ से क्या दूसरा cycle है तो ये one cycle कंट्रासेप्शन गर्भ निरोध से हम क्या समझते हैं। सो ठीक है एंड व्हाई इट इज नीडेड व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रासेप्शन। सर ऐसी तो बड़ा जो सर ठंडी लग रही है। अच्छा तभी तो कम किया था सो दैट इज इफ मेटिंग व्हाट डज इट मीन डज नॉट रिजल्ट चाहिए हिंदी में समझा दो इन फर्टिलाइजेशन। अगर मेटिंग की जाए मेटिंग का मतलब है इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म्स विद इन फीमेल तो उससे अगर अभी सब बताएंगे इज डज नॉट रिजल्ट कंट्रासेप्शन एंड फॉर दिस आंसर है हां एंड फॉर दिस सम फिजिकल मेथड्स आर अडॉप्टेड कुछ ना कुछ फिजिकल कुछ भी किया जाए तो उसको क्या कहेंगे एंड फॉर दिस ऑब्जेक्टिव इस उद्देश्य के लिए कि फर्टिलाइजेशन ना अकर करे एंड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन दिस ऑब्जेक्टिव सम सर ये क्या लिखा आपने फिजिकल केमिकल मेथड्स आर अडॉप्टेड मेथड्स आर अडॉप्टेड। अब देखो then it is called contraception it is called contraception मतलब
कंट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोध, यानी गर्भ धारण करने से रोकना। अच्छा, रोकना निरोध, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव किस लिए, फिजिकल या बैरियर, कोई ना कोई मेथड यूज करें। भाई हमने शादी कर ली, मान लीजिए किसी हरियाणा में जल्दी शादी हो जाती है 16 साल के लड़के की, लेकिन क्या वो एक बच्चे को पालने में सक्षम है? नहीं। वो तो अपने बापू के उस पर खर्च चला रहा है, तो वो लोग कर देते हैं कि जिससे बेटा आज्ञाकारी रहे, जल्दी शादी कर दो तो आज्ञाकारी रहे, है ना, आपके पैर पे खड़े होने से बाद उसको कुछ करा दो, खेती है तो सबको करनी है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज किए जाए। व्हाई इट इज नीडेड टू यूज सच मेथड्स, व्हाई इट इज नीडेड टू नॉट गिव birth to a baby, there are many constraints. We are not mentally prepared. That is, female is having her own career. उसके अपने और क्या career objectives होंगे, तो वो अभी बच्चा नहीं चाहती होगी। और we need a time gap between two babies, जिससे कि उनमें झगड़ा ना हो, एक बड़ा हो, बहन बड़ी है तो भाई छोटा है, एक एज के होंगे तो झगड़ा ही निपटाते रहो। So तब भी contraceptives का use होता है। And if we see in the perspective of the population density of India, then also the government program, it is of prime importance that it is promoted, the contraception is promoted among people, so that everybody has a high level of life. अगर नहीं तो हमारे 10 बच्चे होंगे तो उनकी क्या लेवल होगी, फिर वो तो सब कहीं आकाश आकाश में पढ़ नहीं पाएंगे, जैस वाली क्लास में पढ़ेंगे। दो मेटिंग इज डन बट इट डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, द मेथड यूज फिजिकल और केमिकल मेथड यूज, ठीक है, ड्यूरिंग मेटिंग, सो दैट इट डज नॉट रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। रिपीट कर सकती हो सर? मैं बोलूं? वापस नहीं होता है, बोलो आनंदिता, कर सकती हो, बोलो। फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग मेटिंग। बिल्कुल, देखो कितने ध्यान से समझा। एक और समझा दो, ये हम बोलूं, लिख दे रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। फिजिकल और में लिखवा लेंगे, और हां फिजिकल और केमिकल मेथड, मतलब सर एग्जांपल के नाम ये रोकने के लिए कर रहे हैं ना, सर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन सी में आएगा, वही तो प्रोटेक्शन है। मेथड यूज टू स्टॉप, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन दो मेटिंग इज डन। सर जैसे मतलब मेटिंग हो, स्पर्म अंदर जाए, लेकिन हम क्या करें कि फीमेल अपनी वजाइना में फोमी साइड लगा दे, स्पर्मी साइड, वहीं पर सारे स्पर्म मर जाए। तो एक तरीके का फोम होता है जेल, वो अगर एक पिल रख दे तो उसमें इतना झाग होगा कि स्पर्म उसी में घुट घुट के मर। तो मेटिंग कैसे करेंगे? मेटिंग एक पिल डालनी है अंदर, बस करने के बाद, ऐसे करने से पहले, तो जैसे ही स्पर्म रिलीज होगा वहाँ इतना झाग होगा साबुन की तरह, तो वो सब मर जाए। या फिर कॉपर ट्री इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD लगा लो, सर उसके वो जैसा इरिटेशन इन वजाइना, तो कुछ भी है, लेकिन कई मेथड है, वो सब हम देखेंगे। फिजिकल और केमिकल मेथड यूज, सर जैसे पहले बेबी इसका मन नहीं हुआ तो कॉपर टी करवा दिया, बाद में मन हुआ तो पहुंच सकता है? अभी सकता है, आज भी होता है, 5 years का कुछ एक है कि वो इंजेक्शन लगवा दे तो 5-7 तक टर्मिनेशन रहेगा, ऐसा भी होता है। कॉपर टी को यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दो मेटिंग इज डन। कंट्रासेप्शन यानी मेल फीमेल शादी करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, उनमें मेटिंग भी होगी,
लेकिन ये तो नहीं है कि बच्चे की लाइन लगाते चले जाए तो उनका फिर पालन पोषण करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। तो ये हमारे गांव हमारे घर में किराएदार थी, वो 11 बच्चों को जन्म दे गई, मर गई, वो बिस्तर पे ही लेटी रहती थी, बाहर वो प्रेगनेंट ही रही जब तक हम उसे देखा। तो आप समझिए कि वो ऐसी तो लाइफ कोई नहीं चाहता ना। तो फिर ऐसा करने के लिए सम कंट्रासेप्शन इज नीडेड, प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। मीटिंग तो होगी, मेल फीमेल में पॉपुलेशन होगा, सब कुछ होगी, लेकिन हर एक मेटिंग में क्या बेबी ही चाहिए। सर तो सर्जिकल मेथड अलग है, उससे कहते हैं स्टरिलाइजेशन, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। अगर वैस डिफरेंस को कट कर दिया या फिर टाई कर दिया, वो कट करके ही टाई होता है, टाई ऐसा नहीं होता है। टाई करने पे टाई करवा लिया, बाद में लोग जाके बोलते हैं कि मैंने टाई करवा लिया और इस पे हमें इंसेंटिव दो, तो 1100 रुपये सरकार देती है हर महीना सरकारी कर्मचारियों को, और फिर बाद में जाके दूसरे खोल दो जरा, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं पैसा भी ले रहे हैं ये भी करवा दो, खोल दो बंद कर दो, बहुत इजी है। मतलब अगर आपने वैसा जो वॉइस डिफरेंस उसे टाई कर दिया किसी चीज से, तो खुल जाने के बाद फिर खुल जाएगा, तो उसको काट के डाइलेट करते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब को ही काट देते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो ट्यूब है तो ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी यानी कटिंग, एटम भी उसी से बना, ए प्लस टोमियो, टोमियो का मतलब कट और ए का मतलब अन, जो काटा ना जा सके तो एटम, और ट्यूब एक्टॉमी, तो ट्यूब जो काट दी जाए उसको कहेंगे कि ट्यूबेक्टॉमी, वैस एक्टॉमी, ये इसकी एटिमोलॉजी है। क्या ये सब बहुत चीपर मेथड है और फ्री में उपलब्ध है गवर्नमेंट में, हॉस्पिटल में, फ्री में आपको ये बहुत प्रमोट करता है। ऐसे मतलब 10 को लगता है तो वहाँ 100 रखे रहते हैं। सर मोदी सरकार भी चाहती है बच्चे लिख लिया, हम दो अब हम लोगों ने क्या लिख लिया यहाँ पे, इसके आगे क्या लिखे, व्हाई इट इज नीडेड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा समझ में आया कंट्रासेप्शन क्या है, मतलब प्रोसेस को बोलते हैं क्या? प्रोसेस को नहीं बोलते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेथड्स, प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर इस बर्थ कंट्रोल आर कॉल्ड कंट्रासेप्शन। क्या ये आसान भाषा है? प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल, इसी को ही गर्भ निरोध कहते हैं। तो मैंने कहीं पे सुना था दो बच्चे मीठी थी उससे ज्यादा बहुत सी ऐसे ऐसे शर्ट भी आते हैं उसके पीछे स्लोगन लिखा रहता है, प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल, तो फिर तुम्हारा संदेश लोगों में व्याप्त हो जाएगा। कंट्रोल इज कॉल्ड कंट्रा बात समझ में आ गई, कंट्रासेप्शन कहेंगे ना। अब जरा देखो कि सो दो देयर इज मच प्रेशर फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू गिव बर्थ ए चाइल्ड, सब चाहते हैं पोते बन जाए नाती बन जाए, बट देयर आर ऑल्सो फैमिली कंस्ट्रेंट्स, कुछ ऐसी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि पाबंदियाँ होती हैं, ये कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटीज हैं कि हम बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते हैं। सो वो क्या क्या पाबंदियाँ हैं, वाट आर द थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ठीक है, कंट्रासेप्शन इज डन, किस लिए बताया किया जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन इज डन, ठीक है, दैट इज कपल इज नॉट मेंटली प्रिपेयर टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो भी प्लान नहीं कर पा रहा है क्योंकि डीपीएस में जमा करने के लिए उसके पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है, नहीं तो भेजना पड़ेगा। तो इज डन इफ कपल, वाले तो उठ के जैसवाल में आ रहे हैं, आकाश का बहुत अच्छा ना जानो, आप ये क्या सोचो क्या हमारे जैसे वहाँ टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर ही है, वो कहीं भी पढ़ा दे, हमारे पास आए थे 2 लाख रुपए महीने ले लो हमें पढ़ा दो, हमने करने नहीं।
मिलवाना होगा। हम ले लेंगे लेकिन सिलेबस हमारा चलेगा। बोले सिलेबस तो हमारा चलाना पड़ेगा। सिलेबस तो सर सेम होता है ना। सिलेबस उनका अलग ही चलता है, स्कूल में अलग। अच्छा एनटीएससी है वो सब फिर ठीक नहीं, बच्चे कमजोर होंगे। जो हमारा नाम है सेटिस्फेक्शन मिलता है जब तुम टॉप करते हो, फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं आज तक कोई टॉप किया है। टॉप करते हैं आप हर हर PT1 PT2 में जब टॉप करते हो उसका सेटिस्फेक्शन है। सर सर वहाँ पे अगर कोई बच्चा टॉप मारेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बोलेंगे है कौन तू? कपल इज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली प्रिपेयर्ड ना। अरे बच्चे को बोलेंगे देखो मेंटली भी होता है इकोनॉमिकली, और कभी कभी भाग के शादी करते हैं तो सोशली भी होता है। सोशली भाई बच्चा पैदा करेंगे तो कहाँ ले लेके भागेंगे? जनरल डिब्बे में धक्का खा के लेना पड़ेगा। टू गिव बर्थ चाइल्ड, टू गिव बर्थ चाइल्ड। और दूसरी चीज क्या होता है, कपल डज नॉट वांट, ठीक है, फॉर कीपिंग गैप बिटवीन टू चाइल्ड, फॉर कीपिंग गैप बिटवीन। टू चाइल्ड के बीच में जो गैप हो उसके लिए कंट्रासेप्शन किया जाता है, और दैट इज फॉर फुलफिलिंग द पर्सनल एस्पिरेशंस। मेरी कुछ पर्सनल इच्छाएं हैं, मैं हीरो बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं। तो करीना कपूर बन गई 50 साल में माए, उससे पहले नहीं बने। क्यों? क्योंकि पर्सनल एस्पिरेशन भी तो फुलफिल करने हैं। तो ठीक है, और फुलफिलिंग चले 50 साल में तो बंद हो जाता है ना फ्लो। जब उनके बेटे की शादी हो रही होगी तो वो मर रही होगी। अरे तू फिर वो सरोगेट मदर अडॉप्ट करेंगे। हाँ फिर किराए का घर शायद। विदेशों से लोग आए इंडिया में, पैसा भी ना दे। Country is overpopulated. Country is overpopulated. So, as a responsible citizen, we may use contraceptive method. So, सही है वो क्यों करते हैं उसका है ना? सर example एक बार contraception क्यों करते हैं उसके लिए है ना? हाँ सर example एक बार दो contraception. We may वो सब दिखाएंगे types. We use contraception. इतनी बात समझ आ गई? Now sterilization, नसबंदी। जो महात्मा ये महात्मा गांधी ने नहीं इंदिरा गांधी करा। हाँ महात्मा गांधी। सर इंदिरा गांधी ने नसबंदी क्यों करवाई थी? बोले हाँ सर इंदिरा गांधी के तो सर दो बच्चे भी थे राजीव गांधी। कहा कि हमें देश की पॉपुलेशन बंद करनी है, अगले ही दिन सोचा क्या कराए, बोले सबको पकड़ पकड़ के नसबंदी करा। मुझे लगता करवाई है। That is permanent termination of reproductive age. ठीक है? उसको क्या कहेंगे? कि it is a kind of surgical method. सर्जरी जानते हो? थोड़ा सा यहाँ कट किया, अब कट कहाँ के नीचे ही कट किया यहाँ पर, तो वो जो ट्यूब आ रही है ना यूरेथ्रा में उसी को काट। यूरिन कैसे होगा? नहीं वो जो आ रही है वैसे काम ही वैसे डिफरेंस। अच्छा वैसे। सो काइंड ऑफ सर्जिकल मेथड। सर इसको वापस अंटाई कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। सर मतलब कि कैसे सर्जिकल मेथड से वो टर्मिनेट जोड़ दिया तो? अब वो आप बड़े होंगे खुद ही करोगे डॉक्टर। सर ये रिप्रोडक्शन को खेल समझते हैं। हां सर मैं क्यों करूंगा? मैं कंट्रासेप्शन यूज करूंगा सर। टू टर्मिनेट रिप्रोडक्टिव एज। तुम्हारे समय में जब तुम डॉक्टर बनोगे आदमियों के पेट से कुत्ते बिल्ली के बच्चे का टर्मिनेट रिप्रोडक्टिव एज ऑफ
मेल और उसका तुम एक्स्ट्रा पैसा लेना एक्स्ट्रा के एक भी रुपया नहीं क्योंकि अभी गिरी हालत में कुत्ता बाहर 15,000 का मिल रहा है और अगर हम लोगों के पेट से 15,000 बचेंगे तो सोचते हैं कि कितनी बचत जो पालतू पालना हो उसी को पैदा कर दो। अरे ये है कि चिड़िया उससे मीटिंग कर लो ना ना चिड़िया उड़िया में वो तो आजकल क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो अगर ऐसा कुछ हो सके कि पेट से चिड़िया निकले उड़ जाए मैजिक हो जाए मैजिक तो तुम कह दो कि मेरा पैसा तो चिड़िया तो उड़ गई 9 महीने तो पाला पोसे और उड़ गई 9 महीने तक तो चिड़िया को पाली ना पेट पे ना वो गिर सर्जिकल पहली डाउट इन मेल सुनिए सर्जिकल मेथड मतलब छोटे रहे अब ऐसे नहीं कि तुमने हाथी का इस्तेमाल केस हो जाए सर्जिकल मेथड यूज्ड इन मेल मेल में यूज किया तो क्या होगा ऐसे किसी को देखना भी अपराध है तुम अभी अगर 14 से ऊपर हो तो अंदर करवा दिए झूमर मेल पे कैसे केस चलेगा सर आप केस क्यों डालोगे सब चीजों ये सारे आते हैं सर ये तो दोनों में ही आता सुनो इन दिस वास्ट डिफरेंस ठीक है वास्ट डिफरेंस इज कट एंड इट्स बोथ एंड स्टार्ट लाइगेट तो दो सेमन इज प्रोड्यूस बट इट इज विदाउट स्पॉन ऐसा नहीं कि सेमन नहीं निकलेगा इरेक्शन भी होगा सेमन भी निकलेगा बट उसमें स्पॉन नहीं होगा किसमें लिक्विड निकलेगा हां लिक्विड ही होगा सर क्यों क्योंकि स्पर्म के लिए एंडो एपिडाइडमिस से निकलता है उससे सेमन कैसे निकल जाएगा फिर निकलेगा ही टाइट यानी ये वास्ट डिफरेंस जा रहा है ना ये एपिडाइडमिस से तो एपिडाइडमिस से जा रहा है तो इसको यहाँ पे बांध दिया और दूसरे वाले को यहाँ पे बांध दिया तो इनको टाई कर दो इसको यहाँ टाई कर दो बन गया कि नहीं अब कुछ हो पाएगा सर समझ गया यानी वास्ट डिफरेंस पूरा था मैंने इसको कट किया ये इधर बांधा वो उधर बांधा सर स्पीकर में बताओ सर अब वो चीज आगे जाके किस में जाएगी अच्छा समझ ये सर क्या वैस डिफरेंस को काट के वास डिफरेंस कट कर दिया हाँ अब इस पे सेमिनल वेसिकल लगा हुआ है अच्छा तो सर वो अपने अपना काम करेंगे वो सब कुछ देंगे और जब इरेक्ट होगा तब वो सारी चीज होगी लेकिन ये तो कट हो गया चीज को ही काट दिया ठीक है It is cut and ligated. In this case, that is semen is free from sperms. मतलब बस न्यूट्रिएंट निकलेंगे. This is free. Sir. From sir फिर जो sperm बनेगा sir लेकिन sperm जो vessel में बनेगा. After vasectomy. That is mating and ejaculation will occur under normal. Sir, सुनो तो सही। तो सर इससे कभी भी pregnant नहीं होगी चाहे कितनी भी mating करो। हाँ बोलिए। सर इसके बाद सर sperm तो testis में वैसे भी बनेगा ही ना। हाँ। तो फिर सर अगर ज्यादा हो गया तो? अब वो कुछ हो उसका उसके कुछ after effects होते होंगे कि क्या होगा?
उसके लिए कुछ ना कुछ वो देते होंगे ठीक है वो सब कुछ होगा बट फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा नहीं एज यूजुअल तो ये स्टरिलाइजेशन है जिसका दूसरा नाम क्या है नस को बंद कर दिया क्या तो इसलिए इसका नाम क्या होगा नसबंदी जिसकी वजह से 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और जय प्रकाश नारायण की सरकार उन्होंने हटा दिया सर एक चीज बताओ आपको सर आप डांटो कि नहीं डांटेंगे आगे की बात है दैट इज ट्यूबेक्टॉमी व्हाट इज ट्यूबेक्टॉमी टॉमी क्रिस्टन अभी पूछ लेना ट्यूबेक्टॉमी इज डन सुनो हम सब चीज बताएंगे इस चैप्टर के बारे में ट्यूबेक्टॉमी इज डन ठीक है इन फीमेल सर उसको अंडरलाइन कर फीमेल में किया जाता है सर और मेल मेल वाला भी करते हैं इन विच सर ऊपर ऊपर कॉल्ड कॉल्ड क्या इट इज डन इन फीमेल इन विच फेलोपियन ट्यूब यानी दोनों बोथ वास डिफरेंस तो एक होता है फेलोपियन ट्यूब दो होती है इज कट एंड लाइगेटेड इज कट एंड इट्स बोथ एंड्स आर लाइगेटेड Each tube is tied, tied या ligated एक ही बार, क्या? तो उससे क्या होगा? Now egg कभी आ ही नहीं पाएगा। Same में क्या होगा? भाई अगर fallopian tube को ही आपने cut कर लिया, तो ये जैसे ये है? Sir इसमें pain होता होगा। Pain हो तो क्या? ये। Abuse कर दो। तो ये चीज़ है। यहाँ पर और यहाँ पर ये समझ में आ गया तो इसको यहाँ लाइगेट कर दो बांध दो और उसको उधर बांध दो बांध दो हो गया ना लाइगेट सर अगर दूसरे से निकल गया तो तभी ये करना तो ये दोनों तो दोनों को काटेंगे नहीं सब और ये फिर इसके बाद ये So Now birth control methods. कहाँ पे हो आप नीचे लास्ट में हैं। ये सर। सर अनुराग वहाँ पे लिख रहे हैं। अरे मैं लास्ट। वो तो इस वाले। वो तो। सर दिखता नहीं है ना अगर आप लिखते हो। आप लिखते हैं जरूर। मैं तो बोलता जाता हूँ जो स्मार्ट है वो लिख ही लेंगे बोलता हूँ ना हर चीज सर आपको पता है सर एक औरत थी और सर है ना उसका मतलब बच्चा हुआ तो है ना उसने वो जो होती है ना सर आप कुछ बोल रहे थे जो सर जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सर बॉम्ब में सर उसको उसने पत्थर से काटा और है ना उसने जब खाना खिलाया था ना अपने बेटे को सर शमशान घाट में सर जो डेड बॉडी जलने के बाद होती थी ना उसके ऊपर रूटे से निकले अच्छा तो अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेबी अपने बच्चे को पाला है ऐसे पत्थर से काटा मतलब सबके सामने मतलब अपने से निकाला खुद से किया कोई नहीं था विवेक बिंद्रा बोल दिया और उसे क्या बोलते हैं वो जो नाम से अरे उसे पत्थर से काटा था सर पत्थर मार मार
डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन मदर्स वॉम्ब चलो ये अभी रुक जाओ ये देखो ये स्पॉन दे दीजिए हाँ उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कहीं भी जाना है उसके चारों तरफ क्या है कि माइक्रोविली है जो उसको मूवमेंट लोगों मुझे लाइट कर दीजिए सर अभी यूपी रहता है।